सुप्रभात बच्चों, मैं मंजरी वर्मा आपकी हिंदी की शिक्षिका ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी अपने अपने पुस्तकें साथ में बैठे। पिछली कक्षा में मैंने पार्ट दो बात हॉबी कहानी को पढ़ाया था। पिछले दो वीडियो में मैंने पूरी कहानी को पढ़ा दिया, इनके शब्दार्थों को लिखा दिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी कॉपी में जो भी गृह कार्य यहाँ से दिया जा रहा है आप लोग पूरा कर रहे होंगे। मैंने गृह कार्य दिया था इस कहानी को फिर से दोहरा के एक बार पढ़ने के लिए और इनके शब्दार्थों को हिंदी की फेयर कॉपी में हेडिंग शब्दार्थ लिखकर उनका सभी शब्दार्थ को साफ साफ अक्षरों में लिखने के लिए। तो शब्दार्थ हो गया, कहानी हो गई। अब हम आते हैं इनके अभ्यास पे। अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम लोग बनाएंगे। पहले एक बार पाठ को हम फिर से दोहरा लेते हैं। यहाँ इस कहानी का नाम है बात हॉबी की और इसमें एक टॉपिक है हॉबी। इस पे हम लोग कुछ चर्चा किए थे। हॉबी का क्या अर्थ है आप सभी को याद है, मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था। हॉबी का अर्थ होता है शौक। शौक एक प्राकृतिक गुण होता है, यह प्रकृति के द्वारा हर मानव में जन्म से ही रहता है और ये बदलता नहीं है या इसमें लोग किसी की देखा देखी किसी की हॉबी को नहीं अपनाते हैं। ये सबका अपना शौक होता है, ये हमें प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। बहुत से बच्चों को क्रिकेट खेलने का शौक होता है तो कुछ को पतंग उड़ाने का शौक होता है, कुछ लोगों को जानवरों को पालने का शौक होता है, वे पालतू पशु को अपने घर में रखते हैं। इसी तरह के अलग अलग शौक के बारे में हमने इस कहानी में चर्चा की थी। टिकटों को संग्रह करने का भी शौक होता है, तितलियों वाले एल्बम बनाने का शौक होता है, उसके बाद सिक्कों के भी संग्रह का शौक होता है। घर में मम्मी लोग को किचन में खाना बनाने का, तरह तरह के भोजन बना के बच्चों को खिलाने का शौक होता है, किसी को रंगोली बनाने का शौक होता है तो किसी को बागवानी करने का शौक होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पर्यटन का शौक होता है और वे ट्रैकिंग पे जाते हैं और इसमें वे आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार हम अपने शौक के द्वारा अपने जो रेस्ट समय खाली समय होता है उसका सदुपयोग करते हैं और कुछ न कुछ सीखते हैं। तो ये हमारी पाठ की कहानी हुई। अब इस पे हम आगे जाते हैं और इनके अभ्यास को देखते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ मौखिक प्रश्न है और कुछ लिखित प्रश्न है। तो आज हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे और अगली कक्षा में अगले वीडियो में फिर हम इनके लिखित प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो भी प्रश्न उत्तर मैं यहाँ लिखा रही हूँ इस वीडियो के द्वारा आप सभी अपने फेयर कॉपी में जरूर लिखेंगे साफ साफ अक्षरों में। हर एक पाठ के शब्दार्थ और उनके प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में लिखते जाएंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा मौखिक। पहला प्रश्न, हॉबी कौन सा गुण है? कहानी की शुरुआत में ही मैंने चर्चा की है पहले भी और आज भी। हॉबी कौन सा गुण है? हॉबी एक प्राकृतिक गुण है। प्राकृतिक का अर्थ होता है कुदरती, जो हमें कुदरत से मिला हुआ है। तो यहाँ इसका उत्तर होगा हॉबी कौन सा गुण है? हॉबी एक प्राकृतिक गुण है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दो है, डाक टिकट संग्रह करने वाले कौन से टिकटों का संग्रह करते हैं? यहाँ कहानी में मैंने डाक टिकट की चर्चा की थी। बहुत लोगों को डाक टिकट संग्रह करने का शौक होता है लेकिन वो किस प्रकार से डाक टिकट संग्रह करते हैं इसकी चर्चा मैंने की थी, मैंने बताया था। यहाँ देखते हैं, डाक टिकट संग्रह करने वाले लोग पुराने और इस्तेमाल किए हुए टिकटों का संग्रह करते हैं। पुराने टिकट और इस्तेमाल किए हुए टिकट, नए टिकटों का उतना महत्व नहीं है, इसीलिए लोग कैसे टिकट को संग्रह करते हैं? डाक टिकट संग्रह करने वाले लोग पुराने और इस्तेमाल किए हुए टिकटों का संग्रह करते हैं। संग्रह का अर्थ पता है ना, इकट्ठा करना, एकत्र करना। प्रश्न तीन को देखते हैं हम लोग। तितलियों वाले एल्बम किसके लिए उपयोगी होते हैं? तितलियों को एकत्र करके उनका एल्बम बनाने का भी लोगों को शौक होता है लेकिन ये एल्बम किसके लिए उपयोगी होते हैं यहाँ प्रश्न किया गया है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, तितलियों वाले एल्बम कपड़ा बनाने वाली मीलों के लिए उपयोगी होते हैं। कपड़ा बनाने वाली मीलें क्या करती हैं? इन तितलियों वाले एल्बम में से तितली के पंख में जो रंग बिरंगी डिजाइन होती है उनसे इंस्पायर होके उनको
उनके डिजाइनों को देखती हैं और उनसे कपड़ों पे डिजाइनें छापती हैं, बनाती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम फिर से बात देख लेंगे। तितलियों वाले एल्बम किसके लिए उपयोगी होते हैं? तितलियों वाले एल्बम कपड़ा बनाने वाली नीलों के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है बच्चों, अब चौथे और अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। किन लोगों को पहाड़ी खतरों से डर नहीं लगता? ऐसे तो साधारण व्यक्ति जब पहाड़ पे चढ़ेंगे, ऊंची पहाड़ की चोटी पे, तो निश्चित ही उन्हें डर लगेगा, भय लगेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इन पहाड़ी खतरों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, पर्यटन का शौक रखने वाले, जिन लोगों को घूमने फिरने में, पर्यटन में, सैर करने में अधिक आनंद का अनुभव होता है, जिन्हें इनका शौक होता है, ऐसे लोग, पर्यटन का शौक रखने वाले लोग जो पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, पहाड़ों पर, ऊंची ऊंची पहाड़ों पर ट्रैकिंग, ट्रैकिंग का अर्थ मैंने बताया था पर्वतीय स्थानों का रोमांचकारी भ्रमण। तो पर्यटन का शौक रखने वाले लोग जो पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, उन्हें पहाड़ी खतरों से डर नहीं लगता है। तो यहाँ हम इस प्रकार से देख रहे हैं, चारों प्रश्न है और उनके उत्तर है बिल्कुल साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह आप लोग भी अपने फेयर कॉपी में इसको लिखें। उसके बाद यहाँ कुछ लिखित प्रश्न है, उसके बारे में मैं एक मौखिक चर्चा कर लेती हूँ। आप लोग इन प्रश्नों के हल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, लेकिन अगर अभी आप लोगों से होता है तो लिखिएगा, नहीं तो मैं अगली कक्षा में इनके उत्तर को लिखवाऊंगी, तब आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। लिखित हमारा प्रश्न है, जेनिफर के बारे में कैसे पता चलता है कि उन्हें कढ़ाई का शौक है? जेनिफर कौन है पता है? मैंने कहानी की शुरुआत में पढ़ाया है, जेनिफर एनी की माँ है और उसे क्या चीज का शौक है? कढ़ाई का शौक है। तो जेनिफर के बारे में कैसे पता चलता है कि उसे कढ़ाई का शौक है? तो जेनिफर के घर में जितने भी पर्दे, मेज पोश या फिर चादरें हैं, उनमें इनके हाथों की बनी कढ़ाई को देखते ही यह पता चल जाता है कि जेनिफर को कढ़ाई का शौक है। अगला प्रश्न है, अपने आसपास के लोगों की आदतों को देखने से क्या पता चलता है? तो जब हम अपने आसपास के लोगों की आदतों को देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के शौक होते हैं, हॉबी होती है। तीन नंबर प्रश्न है, आप अपने घर के किन्हीं पांच सदस्यों की रुचियों के नाम लिखो। रुचियों का अर्थ क्या है? रुचि का अर्थ भी हॉबी है। आप अपने घर के किसी भी पांच सदस्य, अपने मम्मी पापा भाई बहन दादाजी दादी जी, किसी भी पांच सदस्य को लिखेंगे कि मम्मी के शौक, पापा के शौक, और टेस्ट देकर उनके शौक के बारे में लिखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग खुद अपने शब्दों में लिखिएगा तो ज्यादा उचित होगा, नहीं तो मैं अगली कक्षा में इसको फिर से लिखाऊंगी। चौथा प्रश्न है, संग्रह करने के लिए कौन से डाक टिकट कीमती समझे जाते हैं? मैंने कहानी जब पढ़ाया था तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आप लोग को बताया था, जिनमें जिन टिकटों में अधिक स्पष्ट मोहर लगे होते हैं और जितनी अधिक पुरानी तारीख होती है, वो टिकट अधिक कीमती होते हैं। समझे? मोहर जितनी स्पष्ट हो और तारीख जितनी पुरानी हो, वैसे टिकट अधिक कीमती समझे जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, तितलियों के पंखों को देखकर क्या बनाया जाता है? तितलियों के पंखों को देखकर कपड़ों में डिजाइन बनाई जाती है। कपड़े के कारखाने, मिलों वाले लोग इस एल्बम को लेते हैं और इनसे कपड़ों पे डिजाइन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन सभी प्रश्नों को आप लिखने का खुद से प्रयास कीजिएगा। अगली कक्षा में मैं आगे के प्रश्नों को लिखवाऊंगी, इनको शुद्ध रूप से लिखिए और याद भी करें, यही आप लोगों का ग्रेड कार्ड। ठीक है बच्चों, आज की क्लास समाप्त होती है, सब धन्यवाद।